सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है उस्त्रासना, और इसको हम कैमल पोज भी कहते हैं। इसमें आपने घुटने के बल खड़े हो जाना है, थोड़े से घुटने आप वाइड करेंगे, जितना आपका कंधा है उस हिसाब से अपने घुटने खोल लेंगे, और आपके पंजे हैं वो या तो आप लेटा के रख सकते हैं या खड़े भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे आप कर सकते हैं। आपने अपने बैक के सपोर्ट से थोड़ा सा पीछे होना है, मीन्स स्काई लाइन पे आपने देखना है, और अपने राइट हैंड से अपने राइट पैर को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ना है, और आपने हिप को आगे की तरफ करना है, पीछे की तरफ नहीं करना है, चेस्ट को ऊपर की तरफ और हेड को हम पीछे की तरफ करेंगे। इस तरह से करके आपने 10 से 15 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, और उसके बाद आप इसको रिपीट करेंगे 3 से 4 बार। 3 से 4 बार आप इसको रिपीट करेंगे, और ये जितना आपको कंफर्टेबल होता है उसी हिसाब से करेंगे, और जितना आप मुड़ सकते हैं उस हिसाब से, और धीरे धीरे ये होगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और यूज़फुल योगासन है आपके पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। तो इसको आप रिपीट करेंगे, आराम से करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, और साथ ही साथ इसको करने के बाद आपने लेना है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आप घुटने के बल बैठ जाएंगे और अपने हाथों को आगे करते हुए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा भुजंग आसना, कोबरा पोज। इसमें हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद अपने बाजुओं को अपनी चेस्ट के अलाइनमेंट में रखेंगे, और उसके बाद अपने हेड को और चेस्ट को ऊपर करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। हेड को पीछे की तरफ लेंगे, टांगे सीधी रहेंगी, और आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है 10 to 20 seconds के लिए, और उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है, और उसके बाद फिर से इसको रिपीट करना है। 2 से 3 बार आपने इसको करना है। बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये पोज है आपके पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। नेक्स्ट है धनुरासना या बो पोज। आपने उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आपने अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है, और पैरों को पकड़ के आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो चेस्ट है सीधा हो जाएगा, और अपने हेड को आपने ऊपर की तरफ करना है, और इस तरह से आपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच फील करना है। इसको भी आपने होल्ड करके रखना है 10 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद रेस्ट करेंगे और फिर से इसको रिपीट करेंगे। तो 3 से 4 बार आपने इसको करना है। मोटांसना, सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। इसमें आपने सीधे बैठ जाना है, और बैठने के बाद आपने हाथों को ऊपर करना है, और इनहेल करते हुए, सांस को इनहेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है, और हमने अपने पैरों को पकड़ना है। अगर पैरों को पकड़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना आपका हाथ जाता है उतना ही आपने आगे बेंड होना है। घुटनों को सीधा रखना है, कोशिश करनी है आपका नाक अपने घुटने पे लगे, और अगर नहीं लग रहा है तो जितना लग रहा है उतना ही करेंगे, और इस पोजीशन को हमने होल्ड करना है 10-20 सेकंड के लिए, और उसके बाद हमने रेस्ट लेना है, और फिर हम इसको रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। हमारा कैट काउ पोज। इसमें पोजीशन में आपने रहना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और टेबल टॉप के जैसे रहना चाहिए, और आपने अपनी रीढ़ की हड्डी से इसको बेंड करना है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ जब हम बेंड करेंगे तो हमारा जो फेस है ऊपर की तरफ होना चाहिए, चेस्ट स्काई लाइन में होना चाहिए, और जब हम इसको ऊपर करेंगे तो बेंड होंगे हम स्पाइन की तरफ से, और जो हमारा हेड है वो नीचे की तरफ होगा, चिन की तरफ, और इस तरह से आपने ये पोज करना है, और इसको भी आपने कम से कम 2 से 3 बार करना है। हमारा बद्धकोण आसना या बटरफ्लाई रो पोज, बटरफ्लाई पोज। इसमें आपने बैठ जाना है, अपनी राइट लेग को फोल्ड करना है, उसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, और अपने हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है, और बटरफ्लाई के पोज में बैठ जाएंगे, और हमने इसको फ्लिप करना है। दोनों घुटनों को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और इसको फ्लिप करेंगे। ये हमने करना है 10 से 20 सेकेंड के लिए, और उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। ये है उत्थान आसन। इस आसन के लिए आपने सीधे खड़े हो जाना है, गहरी सांस लेनी है, अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, और अपने हाथों को सीधा रखना है
मोड़ना नहीं है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। आपने अपने पैरों की उंगलियों को छूना है, अगर अगर पैरों की उंगलियां छू सकते हैं आप तो आप फर्श को भी छू सकते हैं, और अगर आप पैरों की उंगलियां नहीं छू पा रहे हैं तो जितना आपसे झुका जाता है उतना ही आप झुकेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी। तो आपने घुटने सीधे रखने हैं, आपने इसमें घुटना नहीं मोड़ना है, और अपने सिर को नीचे की तरफ करना है। आप अपने हाथों को अपने पैरों के पीछे भी रख सकते हैं, अपनी कमर के ऊपर भी रख सकते हैं, और घुटनों के पीछे भी रख सकते हैं, और फर्श के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है। बट इसमें आपकी जो लेग है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके घुटने मोड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम आपके आपको नहीं हो रहा है कि आपका घुटना सीधा रहे तो आप उसको हल्का सा मोड़ सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये भी आपने कम से कम 2 से 3 मिनट या जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप झुके रहें, और फिर धीरे धीरे आपने वापस अपनी पोजिशन में आ जाना है। ये भी आपने 3 से 4 बार डेली करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।